और इस वक्त आ रही बड़ी खबर, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे अब से कुछ देर पहले। दिल्ली में दोबारा चुनाव को लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के संज्ञान में यह बात भी डाली कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। लगभग 15 विधायकों को उन्होंने कहा कि 10 से 20 करोड़ का ऑफर दिया गया। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सभी MLAs माननीय राष्ट्रपति जी से मिले और उन्हें बताया कि किस तरह से दिल्ली में सरकार बनने की संभावनाएं जीरो है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीन पार्टियां हैं। फरवरी के महीने में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया था। ये उम्मीद थी कि शायद सरकार बन जाए, कोई पार्टी किसी को अगर समर्थन करती है, या वो सारी उम्मीदें आज 4 महीने हो गए, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। लेकिन पिछले 1 महीने में NDA की सरकार बनी। NDA की सरकार बनने के बाद जैसे पिछले 1 महीने में NDA की सरकार के खिलाफ, भाजपा की केंद्र में जो सरकार बनी है उसके खिलाफ, क्योंकि सारी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है, तो जनता में एक गुस्सा पैदा होता जा रहा है। तो अब बीजेपी बौखला गई है बुरी तरह से। बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनाव हो, तो इसीलिए किसी भी हालत में बीजेपी चुनाव टालना चाह रही है। तो बीजेपी अब तोड़ने पे, लोगों को, MLAs को तोड़ने पे उतर आई है। हमारी आम आदमी पार्टी के 15 MLAs को पिछले 1 महीने में अप्रोच किया गया है, उनको 10 से 20 करोड़ रुपए के बीच में कैश ऑफर किए गए, उनको प्रॉपर्टीज ऑफर की गई, उनको मंत्री पद ऑफर किए गए। हमारे एक भी MLA ने ये सब स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि अभी परसों रात को 7:30 बजे वंदना कुमारी, जो हमारी शालीमार बाग से MLA हैं, उनके पास भाजपा के कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने उनको पहले तो कोशिश की तोड़ने की लालच देकर, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्होंने फिर उन्हें जान से, उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ये सारी बातें हमने आज माननीय राष्ट्रपति जी को बताई हैं, उनको हमने ये चिट्ठी भी दी है जिसमें हमने ये सारी बातें लिखी हैं और उनसे निवेदन किया है कि अब वो तुरंत, सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है, तुरंत असेंबली को भंग करें और तुरंत चुनाव कराएं। चलिए तो